The structure of the flower that we have studied yesterday, we have seen that within a flower, there is like on a particular thalamus or on a particular pedicel, there is an expansion of the pedicel, that is a shoot, makes the thalamus or the receptacle. Then after the receptacle, just hold on, please. So, beta, this is what I was telling. तो फ्लावर के स्ट्रक्चर में कल हम लोगों ने ये डिस्कस किया दैट इज द फ्लावर दैट इज एक्सपैंडेड पेडिसल और मॉडिफाइड शूट दैट हैज अ थैलेमस ऑन व्हिच देयर आर फोर टाइप्स ऑफ द वर्ल्स प्रेजेंट. ठीक है, इफ ऑल द फोर आर प्रेजेंट देन वी ऑल्सो कॉल दैट फ्लावर एज अ कंप्लीट फ्लावर. ठीक है, ऑल दीज फोर ऑफ द वर्ल्स दे आर प्रेजेंट इन अ फ्लावर, वी कॉल इट एज अ कंप्लीट फ्लावर. कंप्लीट तब बोलते हैं जब चारों वर्ल्स प्रेजेंट. ठीक है, तब हम फ्लावर्स को बोलते हैं कंप्लीट. कई एक फ्लावर्स होते हैं, कई एक यू कैन से डिफरेंट वैरायटी आती है जिसमें एक सेपरेट तरह का, एक नई तरह का एक फीचर आता है जहां पे पेटल्स और सेपल्स डिफरेंशिएट नहीं हो पाते. ठीक है, कल हम लोगों ने बनाए थे ना, यू रिमेम्बर डायग्राम हम लोगों ने बनाया. पेटल्स ऑल्सो यू नो फॉर अ फ्लावर, फ्लावर के लिए यू नो द कलरफुल यूनिट्स दे आर कॉल्ड एज अ पेटल्स, द ब्यूटिफुली कलर्ड, जैसे आप लोगों ने रोज में देखा. ठीक है, तो रोज हैज द रेड पेटल्स एंड द ग्रीन सेपल्स एट द बेस, राइट. तो ये हमारे पास दोनों पार्ट उसके अवेलेबल. ऑल्सो द मेल एंड फीमेल आर प्रेजेंट. ठीक है, इफ वी टोटली काउंट ऑल द फोर इन अ फ्लावर वी कॉल इट एज अ कंप्लीट फ्लावर. बट इन सम ऑफ द फ्लावर्स, कंप्लीट समझ आ गया, व्हाट इज अ कंप्लीट फ्लावर? कंप्लीट फ्लावर इज व्हेन ऑल द फोर ऑफ द वर्ल्ड्स आर प्रेजेंट इन द फ्लावर. ऑल द फोर वर्ल्ड्स, ऑल फोर वर्ल्ड्स मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम इनरमोस्ट गाइनोशियम, एंड्रोशियम, पेटल्स एंड सेपल्स. ठीक है, but in a few, that is the flowers which are called as incomplete flowers, for those incomplete flowers what is there is there are three whorls, male female to hai lekin sath mein petals aur sepals mein differentiation nahi hota. theek hai, so there are some of the flowers in which there is no differentiation of petals and sepals. when there is no differentiation of petals and sepals, when there is no differentiation in petals and sepals, means dono hi white color ke hain, jaise for example in onion, onion ke jo flowers hain unme dono hi white color ke hain, to aapko kaise pata chalega ki petal kaun hai aur sepal kaun hai, dono ka same color ho gaya hai na. so there is no differentiation in petals and sepals. in that condition the unit which is created, white color ka jo part bana hai na, usko hum log naam dete hain as tepal. ठीक है, दैट इज द अनडिफरेंशिएटेड यूनिट ऑफ अ फ्लावर विच इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू अ पेटल और अ सेपल. एन एक्स्ट्रा टाइप ऑफ अ पार्ट ऑफ अ फ्लावर दैट इज कॉल्ड एज अ टेपल, TEPAL. ठीक है, ऑल्सो एज वी यूज टू डू द वर्ल ऑफ द, एज वी यूज टू डू द वर्ल ऑफ द पेटल्स वॉज कॉल्ड एज कोरोला, द वर्ल ऑफ द सेपल्स वॉज कॉल्ड एज केलिक्स. But now the whorl of the tepals, that is called as the whole whorl, the complete group of these tepals that forms a perianth, PERIANTH. Okay, so what are the incomplete flowers? ये हम दे रहे हैं, the two names are given on the basis of the non-essential parts. ठीक है, non-essential parts अगर हैं, petal sepal हैं, तो वो complete है. ठीक है, और अगर पेटल सेपल्स में डिफरेंशिएशन नहीं है, यानी कि टेपल्स हैं, ठीक है, डिफरेंशिएशन नहीं है, तो हम उसको कुछ तो नाम देंगे ना, ना पेटल बोलेंगे ना सेपल बोलेंगे, तो टेपल कहेंगे. तो दिस इज, अगर टेपल्स हैं तो ऐसे फ्लावर को हम इनकम्प्लीट फ्लावर बोलते हैं. दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ नॉन एसेंशियल वर्ल्ड्स. एंड ऑन द बेसिस ऑफ द एसेंशियल वर्ल्ड्स, अगर एसेंशियल वर्ल्ड्स की बात करें, द फ्लावर्स आर टर्म्ड एज ईदर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स और यूनिसेक्सुअल flowers. Now yesterday what structure we have drawn, that was a bisexual flower. What is a bisexual? Bi means two, sexual means sexual organs. Okay, so both the sexual organs are present in a flower, that is called as bisexual flower. So what is a bisexual flower? When both the male and female reproductive organs, male and female reproductive organs are present in the same flower or are present on the same thalamus. ठीक है,
when both the male and the female reproductive organs are present on the same receptacle लिख सकते हो, thalamus लिख सकते हो, ठीक है, within the same flower लिख सकते हो, it's up to you, right? So what I'm explaining here, bi means two, means both of these, sexual, bisexual, है ना? तो sexual का मतलब क्या है? That is both the male and female reproductive organs, both the sexual organs, है ना? They are found where? On the same thalamus. Then we call them as bisexual flowers. The commonly growing China rose, hibiscus. That is an example of this hibiscus. You know? Then rose is there. Another flowers, petunia is there, right? Petunia is also bisexual. So there are a lot many flowers which are commonly jo hamare ko zyada tar dikhai dete hain, they are the bisexual flowers. But we have to look at whether really these are bisexual or not. ऐसे वाले flowers का जो plant होगा, that is a bisexual plant, we can say, ठीक है, but it is not named as such, bisexual flower ही है सिर्फ. तो ऐसे वाले flowers का जो plant होगा, उस पूरे plant में आपको एक ही तरह का flower नजर आएगा. All the flowers look same, है ना? तो that is because both the male and female they are carried within the same thalamus, they are carried within the same flower. On the same thalamus. But now if I say the male grows separately and the female grows separately, ठीक है, अगर male flower अलग है, female flower अलग है, मतलब पूरे plant में आपको दो अलग अलग तरह के flowers नजर आ रहे, ठीक है, plant एक ही है लेकिन flowers के structures अलग अलग है, तो that represents, it is the, maybe the color difference is there, maybe the colors are same as in the Lufa cylindrica, that is Giardori. उसके अंदर क्या होता है, येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं, बट देयर स्ट्रक्चर इज डिफरेंट. जो फीमेल फ्लावर होता है ना, वो ऐसा क्रम्बल्ड सा होता है, ठीक है, एंड जो मेल फ्लावर होता है, वो ऐसा एक्सपैंडेड सा, फुल यू कैन से ओपन टाइप, ठीक है, सो दैट इज अ मेल फ्लावर, ठीक है, स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट. तो जब आपको अलग अलग तरह के फ्लावर्स नजर आते हैं एक ही प्लांट पे, वी कॉल इट एज अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ओके, ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स इन विच one type of the male or female, either of these will be carried in a single flower, okay, so what is this, it's a second type of a flower, depending upon the essential parts of a flower, what is it, this is unisexual, means when a single, either of the male or female, either male or female reproductive organ develops on the thalamus, on a single thalamus, okay, so either of these develops on a single thalamus we call it as a unisexual flower, right? How is this possible? जैसे मैंने अभी example दिया, that is of Lufa, है ना? Lufa is one of the examples. Then there is also then other examples like that of papaya, cucumber, ठीक है, examples देखो इसमें पहले, then I'll explain more. This is LUFFA, Lufa. That's a scientific name, okay? The scientific name, Lufa cylindrica. This is a species name. Then there is papaya, cucumber, even watermelon. ठीक है, so these are the examples, some of the examples of the unisexual flower. तो है क्या इसमें unisexual में? The male producing organ, जो male gamete producing organ है, यानी कि male reproductive organ जो है, say this is the thalamus. ठीक है, I'm just making out the thalamus now. The rough structure I'm just trying to show it to you. This is the thalamus over which there appears the presence of the ovary, stigma and the style, you know, along with the petals. ठीक है, यहाँ पे साथ में petals and साथ ही में sepals. Done. No anthers. So this is what, this is a female flower. And when there is, say the thalamus expanded, this is the thalamus. ठीक है.
It is not having the ovary. It is directly having the male gametes producing organ, that is the filament and the anthers within it. है ना? कल बनाए थे ना flowers, नाम अब आपको पता है anthers क्या है, filaments क्या है, etc. And the petals and the sepals. So this is a male flower. The female flower that is carrying only the female reproductive system, the female flowers, they are also called as pistillate flowers when unicellular. Pistillate वो होंगे जिनमें सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा. पिस्टिल, पिस्टिल से नाम आया ये पिस्टिलेट, पी आई एस टी आई डबल एल ए टी ई. एंड द वन विच इज हैविंग ओनली द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज कॉल्ड एज स्टेमिनेट. स्टेमिन से नाम आया, ठीक है, पिस्टिलेट स्टेमिनेट. ओके, द वन विच इज हैविंग द मेल gametes producing organ only, right? So this is depending upon the, these are the terms which we use for the flowers, depending upon whether all the four whorls are present, it's complete. When there is no differentiation of petals and sepals, that is there are only three whorls, male, female, reproductive organs along with tepals, we call it as incomplete flower. Bisexual, when both the male and female reproductive organs are present on the same thalamus. And unisexual, when either of these are present on the सिंगल थैलेमस, मतलब दोनों के थैलेमस अलग अलग है और दोनों के मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कैरिंग स्ट्रक्चर्स भी अलग है, मेल एंड फीमेल गैमेट कैरिंग स्ट्रक्चर्स भी अलग अलग है. गेट, हैव यू गॉट दिस? गेटिंग? हाँ जी बेटा, एनी डाउट टू एनीवन फ्रॉम दीज टर्म्स दैट आई हैव यूज्ड? एनीवन हु इज कंफ्यूज्ड विद एनी ऑफ दीज टर्म्स? इट्स क्लियर? ओके. So further is, after knowing that this is the terms used for the flower, the complete or the incomplete flowers, bisexual or the unisexual flowers, ये हो गया हमारा, ठीक है. Now coming to the various, हम लोगों ने main focus करना है bisexual flowers पे, that is having both the male and female on the same flower, because they are more common, ठीक है, they are more in number as compared to the unisexuals. More examples will be found that for the bisexual flowers, okay. सो कमिंग टू दिस बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में हमने बोला कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो दोनों सेम थैलेमस पे बॉर्न होते हैं. तो व्हेन दिस गोज फॉर द रिप्रोडक्शन, अब आप लोगों को पहले वो पॉइंट्स अपने वापस याद करने पड़ेंगे. यू रिमेंबर द पॉइंट्स ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द एसेक्सुअल एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वी हैव रिटन दैट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज द प्रोडक्शन ऑफ द गैमीट्स. Gamete formation happens for sexual reproduction, but it does not take place for the asexual reproduction. है ना? Gametes बनेंगे कहाँ बनेंगे? Male or female reproductive organs में बनेंगे. ठीक है? So now first we have to study that how these gametes are formed, where are they formed, and how do they look like, right? So next is a gamete carrying structures. ठीक है? Or the organs. Now we are to discuss about the gamete carrying organs, specifically about the androecium's anther, क्योंकि उसी के अंदर gamete present है, filament का नहीं हम बात करेंगे ज्यादा, तो हमने anther के ऊपर ज्यादा main focus करना. And similarly, within the ovary there is the ovule which carries a female gamete. Okay. So coming to this gamete carrying organ number one, that is the androecium. Now this androecium that has a structure which is made up of the anther. This anther is having the two of the lobes. This is one lobe. Kya hai? That is a single, you can say, unit of the androecium's anther. Anther can be single lobed. Ye ek lobe ho sakta hai. Ya it can also have the two of the lobes. That is more common. Having the two lobes, दो lobes भी present हो सकते हैं, single lobe भी present हो सकता है. If it is bilobed, मतलब दो lobes हैं, तो हम इसके लिए term use करते हैं bithycus. Bithycus means two lobes are present. And if it is having the single lobe, then we call it as monothycus. Monothycus means one lobe, single lobe. More common is this feature, ठीक है.
mostly found in the NGOs, that is in the flowering plants, that is the bithycus condition, two lobed. So ye do lobes banaye humne, theek hai. The anther, that is also attached over the stalk like structures called as filaments. So this is a filament on which bears the lobes. Each lobe carries two pollen sac, which further carries the pollen grains. So this is one pollen sac and this is a second pollen sac found in a single lobe. If one lobe has two pollen sac, means two lobes will be having four pollen sac, you know. So this is the two found in the another lobe as well. Done. ठीक है. So total of four pollen sac. Getting. Now when the development of the male gametes, that is the pollen grains carrying male gamete, that starts. Pollen grain अपने आप में male gamete नहीं है. ठीक है. पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गेमीट्स बनेंगे, वो हम बात करेंगे. सो पॉलन ग्रेन्स जब स्टार्ट होते हैं तो एक कलेक्टिव मास होता है, एक टिश्यू मास होता है. ठीक है. मास मींस एक इकट्ठा मास. जैसे मैं आपको जस्ट रेफरेंस एक बता दूं, दैट इट इज जस्ट लाइक दिस. ठीक है. इकट्ठा हुआ पड़ा, दैट आर द सेल्स विच आर नॉट डिफरेंशिएटेड स्टिल बट दे आर प्रेजेंट लाइक दिस, जुड़े जुड़े से सेल्स. ठीक है. देयर इज इनिशियल स्टेज, दैट इज द इनिशियल स्टेज. You also must be knowing that the sexual flowers, that is the flowering plants, mein jo flowering plants hai hamare angiosperms jo hai, they are diploid in the structure. Diploid means they are 2n in their structure. You know what is 2n? What is a diploid condition? Anyone who knows it, what is a diploid condition, 2n condition? Anybody, kindly raise your hand if you know what is a 2n condition. Diploid condition. Diploid क्या होता है? Diploid और 2n. बेटा in the last chapter of heredity we have already studied that we are 2n structures. Humans, we are diploid. You know, diploid means we are having two set of chromosomes. Two set of chromosomes we are having, right? हाँ जी भानु, you want to say something? You were raising the hand, I guess, for the same. Anji, Manu. मैं यही कह रहा था. Okay, okay, right. So this is the 2n structure, that is the structure which is having the diploid condition. Diploid means we are having the two set of chromosomes. ठीक है. तो ये diploid structures में humans भी advanced हैं having diploid, flowering plants भी advanced हैं having diploid. तो मतलब इसका एक एक cell जो है वो diploid conditions है. ठीक है. तो इसके अंदर जो जितने भी सेल्स हैं, इवन ये वाली खाली जगह पे भी जितने भी सेल्स हैं, दे आर ऑल डिप्लॉयड, दे आर द सेल्स हैविंग डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स. ठीक है. बट व्हेन दिस अंडरगोज द डेवलपमेंट फॉर द पॉलन ग्रेन, जब पॉलन ग्रेन की डेवलपमेंट करनी है, क्योंकि ये डिप्लॉयड है, यूनिवर्सली गेमीट्स हैप्लॉयड होते हैं, सो दे अंडरगो द यू कैन से मियोसिस डिवीजन. मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन. नाइन्थ में आप लोगों ने नाम तो सुने ही हुए हैं सेल डिविजन के, थोड़ा बहुत बेसिक्स भी पढ़ा है आप लोगों ने, माइटोसिस एंड मियोसिस, है ना. मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन. तो 2n से 2n से n करना है, हाफ द नंबर करना है, तो मियोसिस डिवीजन से क्या करेंगे, इसको हाफ कर देंगे. नंबर विल बी द सेट ऑफ क्रोमोसोम्स विल बी हाफ, दैट इज इट विल बिकम हैप्लॉयड. हैप्लॉयड इज सिंगल n. ठीक है. तो यूनिवर्सली ऑल द गैमेट्स आर हैप्लॉयड, हैप्लॉयड स्ट्रक्चर्स होते हैं. ठीक है. तो ये पॉलन सैक है जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स बनेंगे. ठीक है. एक चीज आपको याद रखनी है, ये सेल्स जब डिफरेंशिएशन देते हैं, पहले तो ये जुड़े हुए हैं ना, यहाँ से पहले ये अलग अलग हो जाएंगे. तो इस अलग अलग सेल को हम नाम देते हैं एज द माइक्रोस्पोर मदर सेल. माइक्रोस्पोर मदर सेल, एम एम सी भी कहते हैं इसको, स्मॉल में, शॉर्ट में एम एम सी. ठीक है. माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल भी 2n है. इसने आगे पॉलन्स बनाने हैं. तो जब एक मियोटिक डिवीजन होती है, अगर आप लोगों ने पढ़ा है, तो जब भी मियोटिक डिवीजन होगी, चार नए एन एन स्ट्रक्चर्स बनेंगे. मतलब एक माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो फोर पॉलन ग्रेन्स के बराबर है.
ये आपको लिंक याद रखना पड़ेगा. समटाइम्स यू गेट टू हैव अ कैलकुलेटिव क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन दिस. ठीक है, क्योंकि माइक्रोस्पोर मतलब सेल 2n था, पॉलन ग्रेन n है, और जब मियोसिस होगा तो एक 2n सेल चार नवे सेल्स बनाता है. ठीक है, बस इतना लिंक याद रखेंगे, बाकी डेवलपमेंट हमें नहीं पढ़ना है. हमें सिर्फ इतना लिंक जरूर याद रखना है बिकॉज वी डू गेट द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन. ठीक है, वन माइक्रोस्पोर मदर सेल गिविंग राइज टू फोर पॉलन ग्रेन्स एंड वन पॉलन ग्रेन, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट, वन पॉलन ग्रेन दैट गिव्स राइज टू टू मेल गैमेट्स. ईच पॉलन ग्रेन कैरीज टू मेल गैमेट्स. ईच ऑफ द पॉलन ग्रेन्स कैरीज टू मेल गैमेट्स. डन, ये लिंक आपको याद रखना. अब इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं. से 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आर देयर, हाउ मेनी मेल गैमेट्स विल बी प्रोड्यूस्ड? रेज योर हैंड इफ 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आर देयर, हाउ मेनी मेल गैमेट्स विल बी प्रोड्यूस्ड? जी तान्या, यस 800. 800 male gametes will be produced because one microspore is four pollen grain. 100 microspore will be 400 pollen grain into four. Okay, and each pollen grain has two male gametes, so 400 pollen grains are going to get into two. That is 800 male gametes. Reverse can also be asked. Like if 200 male gametes are produced, how many pollen grains were involved? If 200 male gametes were produced, how many pollen grains will be involved? हाँ जी, रिवर्स कैन ऑल्सो आस्क. हाँ जी विसम, 25 टू मेल गैमेट्स. यस सक्षम. हाँ जी बेटा सक्षम, 25 ही होगा. व्हाई? आई सेड 200 मेल गैमेट्स आर फॉर्मड. 200 मेल गैमेट्स, हाउ मेनी पॉलन ग्रेन्स आर इन्वॉल्व? डिवाइड बाय 2 करें. हाँ? वो तो 100 होंगे, वो पोलन ग्रेन्स 100 होंगे. हाँ? और वो तो लिसन टू द क्वेश्चन ना, आई हैव नॉट आस्क्ड टिल माइक्रोस्पोर. आई एम आस्किंग 200 मेल गैमेट्स, हाउ मेनी पोलन ग्रेन्स? यू विल बी डिवाइडिंग इट बाय 2. ठीक है, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा ना मैथमेटिकल कैलकुलेशन में. तो इफ 200 मेल गैमेट्स आर देयर, देन डेफिनेटली देयर विल बी 100 ऑफ द पोलन ग्रेन्स ईच प्रोड्यूसिंग 2, सो देयर आर 200 मेल गैमेट्स सो प्रोड्यूस्ड. ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं. लॉजिक समझना है आपने, कंसेप्ट समझना है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन जरूर होता है. ठीक है, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, राइट? सो इफ नाउ द पॉलन ग्रेन्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड, मींस दीज आर द पॉलन ग्रेन्स कैरिंग द मेल गैमेट्स इनसाइड द पॉलन सैक. सो दीज आर माइक्रो, नाम दिया था ना हमने माइक्रोस्पोर, है ना? तो माइक्रो नाम दिया जाता है, दैट इज ओनली बिकॉज दे आर स्मॉल साइज. दे आर कंपैरेटिव टू द फीमेल गैमेट्स, दे आर small sized, so you can make it like this, right? So these are the pollen grains carried within the, not the male gametes, but the pollen grains carried within the pollen sac. Similarly, they will be present in the other pollen sac. Getting? Now to label these parts, these are the pollen sac. Label the parts of this pollen sac. Then these are the pollen grains, okay, found in this. These are the pollen grains. This is the anther. The anther which is bilobed means bithycus. Okay. And the filament. This is a filament. Filament is attached to the anther with a tissue called as connective tissue. ठीक है, फिलामेंट जहां एंथर को जुड़ता है. ठीक है, कोई से भी पोर्शन में, जैसे सपोज ये एंथर है, जहां पे ये जुड़ेगा तो जिस पोर्शन पे ये जुड़ रहा है दैट इज कॉल्ड एज कनेक्टिव. दैट टिश्यू इज अ कनेक्टिव टिश्यू. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट मेल गैमेट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर, गैमेट कैरिंग ऑर्गन, दैट इज द एंथर व्हिच कैरीज द पोलन ग्रेन्स विद इन द पोलन सैक. हाँ जी दिव्यांश. मैम एक बारी दोबारा बता दो कि जो कौन सा टिश्यू था, फिलामेंट और एंथर से कनेक्टिव. इट इज सी ओ डबल एन ई सी टी आई वी ई, कनेक्टिव. ओके ओके मैम, राइट. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इज विद इन दिस स्ट्रक्चर देयर वी स्टडीड अबाउट द पोलन ग्रेन्स, है ना? हम लोगों ने पोलन ग्रेन के बारे में भी पढ़ लिया कि पोलन ग्रेन कैरिड होता है.
तो पॉलन ग्रेन जो है उसका अपना एक स्ट्रक्चर है, अपना उसका एक स्ट्रक्चर है। अभी तक हमने सिर्फ पॉलन ग्रेन की बात करी है, गैमेट बनाया नहीं है। अभी गैमेट के बारे में तो सुना ही नहीं हमने कुछ, है ना। सो अब यहाँ एक और रिलेशन आता है आपको, म्यूट योरसेल्फ दिव्यांश, इफ योर डाउट इज डन बेटा, म्यूट योरसेल्फ। अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, हमने पढ़ा कि पॉलन सैक के अंदर पॉलन ग्रेन बनता है, दैट्स इट, ओके। पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट्स बनते हैं। मैंने अभी एक लाइन बोली थी कि पॉलन ग्रेन इटसेल्फ इज नॉट अ मेल गैमेट, है ना। सो दे हैव द टू न्यूक्लियाई व्हिच एक्ट एज अ मेल गैमेट। नाउ द पॉलन ग्रेन स्ट्रक्चर, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉलन ग्रेन। द स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉलन ग्रेन, हाउ दिस पॉलन ग्रेन लुक्स लाइक। द पॉलन ग्रेन हैज a smooth inner membrane, this is the smooth inner membrane, right, and the sculptured, you can say that is simply designed type of the outer membrane, theek hai। inner iski smooth hoti hai, bahar wali designed hoti hai, designs mein spikes ho sakti hai, lambi lambi se is tarah chote chote dentates ho sakte hain, smooth bhi ho sakti hai, thick ho sakti hai, thin ho sakti hai, depends upon, okay, it varies from flower to flower, so it's varies, right? Now at points the outer and inner they fuses together like this. You can make as many points as you want. मतलब जितनी मर्जी जगह पे आप इसको join कर सकते हो ऐसा, ठीक है? आप चाहो दो जगह, आप चाहो तीन जगह, इस तरह से जहां मर्जी इसको join करो, ठीक है? These fused portions, जहां पे हमने fusions show की हैं, दोनों membrane fuse हो गई हैं, that is actually the point from where the pollen grain has to rise, from where the pollen tube has to rise. Pollen grain ka wo wala portion jahan se pollen tube ko arise karna hai. Pollen tube banegi to male gamete jo hai they will be given to the ovule, egg cell for fertilization. Theek hai, to pollen tube germinate hoga. Wo germinate in pore mein se kahin se hoga. Theek hai, is pore mein se kahin se hoga. So that is, these are the germ pores which can be single or numerous. Multiple, ठीक है? So this is the outer layer which is called as exine. वैसे ये structures आपको कल्ले कल्ले में नहीं आते हैं, just to understand the concept I am telling you. You can learn this, it's okay. You can't learn this, don't worry. Okay? These are not there as such in your syllabus, means according to your book content. तो ये pollen grain का structure आपको समझ आ जाना चाहिए, और ये जरूरी है germ pores. ठीक है, when you provide the particular information in any of the steps, you may write these names, that will give you a good impression. ठीक है, that's why. So these are the two membranes. Now inside the pollen grain, जब ये एक सेल बना होगा, वैसे डिवीजन होने के बाद एक सेल बना होगा पॉलन ग्रेन, तब इसके पास एक न्यूक्लियस होगा ना, तो डेवलपमेंटल स्टेजेस में इसके अंदर दो फर्दर क्लीवेजेस आएंगे। पहली क्लीवेज से दो न्यूक्लियस हो गए, दूसरी क्लीवेज दोनों में नहीं होनी, एक ऐसे ही पड़ा रहता है, ठीक है? दूसरा जो न्यूक्लियस बना था ना वहां, ये वापस फिर से डिवाइड कर जाता है, ठीक है? तो दो बार डिवीजन हुई ना, एक बार हुई तो एक न्यूक्लियस ने दो बना लिया, दूसरी बार पहले वाले ने नहीं डिवाइड किया लेकिन दूसरे न्यूक्लियस ने फिर से डिवाइड कर दिया और दो नवे न्यूक्लियस। तो ऐसे में ये जो दो न्यूक्लियाई बने हैं, दीज एक्ट एज द मेल गैमेट्स। Means what? That is, each pollen grain carries two male gametes. मैंने लिखा था ना वहां पे, each pollen grain carries two male gametes. ठीक है, okay. And further there is cytoplasm. And what is the importance of this nucleus? You must be confused. कि ये वाला nucleus क्या करता है फिर? जो pollen tube बननी है, उस pollen tube को style में से पूरा निकालना पड़ेगा, ठीक है? Style अभी मैं आगे करवाऊंगी, आपको फिर से बताऊंगी ये वाला न्यूक्लियस क्या करेगा। जो स्टाइल, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, आप लोगों ने पार्ट पढ़ा ना फीमेल रिप्रोडक्टिव का, तो स्टाइल इज आल्सो टिश्यू, वो भी सारा टिश्यू है, सेलुलर मटेरियल है ना, तो उसको डिसॉल्व करना पड़ेगा, उसको खत्म करना पड़ेगा, तभी पॉलन ट्यूब जा पाएगी उसके थ्रू। तो उस टिश्यूज को डिसॉल्व करने के लिए ये न्यूक्लियस क्या करता है, पॉलन ट्यूब को पैसेज प्रोवाइड करता है थ्रू दिस स्टाइल, ठीक है? दिस provides a passage, इसको ट्यूब न्यूक्लियस भी बोलते हैं। ट्यूब को, पॉलन ट्यूब को, जो यहां से अराइज करेगी बाद में जर्मिनेशन पे, तो ये उसमें हेल्प करेगा।
ठीक है getting so this is the structure of a pollen grain which carries two male gametes. One relation we have studied that one microspore mother cell is going to give rise to four pollen grains, and one pollen grain gives rise to the two male gametes. तो इस स्टेज पे यानी कि थ्री न्यूक्लियेटेड स्टेज पे या इसकी पिछली यानी कि टू न्यूक्लियेटेड स्टेज पे पॉलन ग्रेन जो है वो डिस्पर्स होते हैं स्टिग्मास के ऊपर. ठीक है, पॉलिनेशन जो होता है जो आपको भी मैं मेल का किया ना हमने स्ट्रक्चर, कल हम फीमेल का करेंगे, टाइम इज गेटिंग ओवर. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दैट इज ओव्यूल का स्ट्रक्चर मैं आपको कल करवाऊंगी. अब उसमें स्ट्रक्चर्स पढ़ने के बाद हम लोगों ने पढ़ना कि हाउ दीज गैमेट्स आर ट्रांसफर, दैट इज थ्रू पॉलिनेशन. अब पॉलिनेशन जब होना है या तो वो इस स्टेज पे होना है पॉलन ग्रेन में उड़ के स्टिग्मा पे जाना है, या तो वो तीन न्यूक्लियस कैरी करके चला जाएगा, नहीं तो वो ये दो न्यूक्लियस, ये वाला नहीं, सिर्फ ये वाले दो न्यूक्लियस को कैरी करके चला जाएगा टुवर्ड्स द स्टिग्मा. तीसरा वहां जाके बनाएगा, वहां जाके स्टिग्मा के ऊपर लैंड करने के बाद वहां डेवलपमेंटल चेंजेस आएगा. ठीक है, सो दिस इज हाउ द डिफरेंट चेंजेस टेक्स प्लेस डिफरेंटली. सो वील कंटिन्यू द फर्दर टॉपिक टुमारो. Any doubt to anyone from any of these topics we have discussed today?